जो इस तरीके से हमारी हॉस्पिटल्स का माहौल खराब करते हैं। छोटे से बच्चे हैं, फूलों की तरह उनकी जानें हैं। ये वायरस यहाँ पर उड़ता है, सामने जाता है, क्या हमारे बच्चे मरेंगे? कोरोना वायरस भी इतना डैमेज हमारे बच्चों को हमें नहीं करेगा जितनी हुकूमत की ये जो नाअली है वो करेगी। हालत है एक और पे हद से ज्यादा बदबू है और यहाँ पर जो पुलिस का नाका लगा हुआ था वो भी चला गया। दिखाएं, वो भी चला गया। दूर दूर तक हमें देखकर पुलिस वाले भी गुम हो गए, इंतजामिया भी गुम हो गई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जज साहिबान से, लड़कना के जो जज साहिबान हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, लॉ एनफोर्समेंट के दारों से, कि खुदा के वास्ते इस गिलाजत को मेन हॉस्पिटल के दरवाजे से दूर किया जाए। अंदर स्टाफ से भी मुझे कहा लाइए शेख जैद से कि हम अंदर सांस उठा नहीं सक रहे हैं, इतनी ज्यादा बदबू है। यहाँ पर प्लेसेंटा जो होता है, जो बच्चा पैदा होता है तो रतुबत के साथ पर्दा निकलता है, वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये हॉस्पिटल सामने, वो बच्चे सामने, छोटे से बच्चे जो इंक्यूबेटर में पड़े हुए हैं। खुदा के वास्ते जज साहबान आपसे मुखातिब हूँ, अगर खुद नोटिस लें, इस करप गवर्नमेंट को, इस करप नारकना की इंतजामिया को वो सबक सिखाएं कि आइंदा कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी किसी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया ऐसा काम नहीं करे। थैंक यू जी। अहमद अकबर फौज नारकना।